ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में 13वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत आरजे ऑल इंडिया रेडियो रोहित मुश्ताक ने महिला दर्शकों का स्वागत करते हुए किया। विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित वक्ताओं ने अपने संघर्ष की कहानी को दर्शकों के सामने साझा किया। प्रोफेसर फोजिया फातिमा, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज गांधरबल, ने महिला शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भविष्य के लिए कैसे काम किया जाए जिससे वे आसमां छू सकती हैं। कैंपेनर बिलाल भट्ट, कम्युनिटी वॉलंटियर, ने बताया कि कैसे उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षित किया है कि वे ड्रग्स से दूर हो सकती हैं और वे घरेलू हिंसा के बारे में कैसे मजबूत हो सकती हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर जून एएनएन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की बेहतरी के लिए अखिल भारतीय मानवाधिकार परिषद के कार्य के बारे में एक शक्तिशाली भाषण दिया। डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ग्लोबल चेयरमैन AICHLS, ने कहा कि कैसे महिलाएं बाधाओं को दूर करें और कैसे वे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बना रही हैं और उन्हें शिक्षित कर रही हैं। ऑडियंस पर्सपेक्टिव राउंड इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था, जिसमें दर्शकों ने महिलाओं के रूप में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की और अपने विचार साझा किए। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड्स 2023 आयोजित किया गया, जिसमें सईद नगीना फैयाज, प्रोफेसर फोजिया फातिमा, आरजे रोहित मुश्ताक, प्रोफेसर मुदासिर रोशन चितवन और प्रोफेसर असमा को डॉक्टर जून और एंथनी राजू के हाथों पुरस्कृत किया गया। बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग ने हम लोग को ये मौका दिया है कि हम इस ब्यूटीफुल शहर में आए हैं विच इज़ कॉल्ड हेवन ऑन अर्थ, और जिसमें हमने भी अपनी मन की बात बोली है और आप लोग ने भी मन की बात बोली है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक दिन हमने चुना है जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, वुमेंस डे, जो आज की डेट में वुमेंस शुड बी गिवन इक्वल राइट, वुमेन शुड हैव द एम्पावरमेंट, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ स्पीच, हैप्पी फैमिली, तो हर चीज़ का उनका राइट होता है। एंड दिस प्लेटफॉर्म जो आज हमें मिला है विद दिस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड वे प्रोफेसर फौजिया जी हैज़ गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू गिव आवर वर्ड, सो वी आर वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल कि टुडे वी आर इन कश्मीर एंड सेलिब्रेटिंग दिस डे। जिस मकसद को लेकर हम यहाँ पर आए थे वुमेन राइट्स को लेकर, तो आज हमारा मकसद पूरी तरह से कामयाब होगा, क्योंकि मीडिया जो है एक पिलर होता है और हम अपनी बात को सिर्फ मीडिया के सहारे ही लोगों तक पहुंचा पाते हैं, और मीडिया शांति का भी प्रतीक है, मीडिया प्रोग्रेस का भी प्रतीक है, मीडिया वुमेन राइट्स का भी प्रतीक है, वो मीडिया ह्यूमन राइट्स का भी प्रतीक है। और मैं 2005 से इस वुमेन राइट के आंदोलन को बड़े लेवल पर हम चला रहे हैं। महिलाएँ हों चाहे बच्चे हों चाहे एजुकेशन, कोई भी उस पर ज़्यादा फोकस करें, और बाकी चीज़ों का मैं कोई नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट बाकी मुद्दों को छोड़िए, बहुत उनको कवर करने के लिए, बट आप ज़मीनी जो मुद्दे हैं उनको कवर कीजिए जो आम लोगों के जहन में हैं।